आज मेरा ना दिल से जो सपना मैं कुछ महीनों से ले रही थी कि आपके साथ मैं मीटिंग करूंगी, अपना इंटरव्यू दूंगी, वो सच में आज कंप्लीट हो गया है। आपने एक बात कही थी कि अपना कुछ सोचो कि आपने वेट लूज क्यों करना है। सर मैं आपको जी सच बताऊं, मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि मेरे को आपके सामने बैठना है और मुझे भी औरों की तरह इंटरव्यू देना है, ताकि जी मैं भी जी बता सकूं कि मैंने अपनी वेट लूज जर्नी में क्या क्या किया। मैं सिमर जी, मैं ना आपकी फोटो देख के, और ये काफी सारी फोटोज हैं आपकी, और हाँ ये जी सर, जैसे है, ये आपके बच्चे के साथ आपकी फोटो है, और ये कितने टाइम पुरानी है पता है? सर ये मार्च की पिक है हमारी, मेरे अच्छा, बेटे का बर्थडे था। इसी साल मार्च की। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये मेरे ख्याल से फरवरी की होगी अच्छा, सर। हाँ जी फरवरी मार्च की है ये पिक सर। तो मैडम आपका आई ट्रांसफॉर्मेशन वाज तो 88+। ओके, 88, और अभी कितना है आपका वेट? अभी मेरा 57 हो चुका है। अच्छा जी, 88 से 57। ये देखिए मैडम, ये आपकी पिक्चर जो है। सर मैं सच बताऊं, मैंने ना फुल पिक्स करवाना ही छोड़ दिया था। मैं किसी फंक्शंस में जाती थी, कुछ जाती थी, मेरे सबसे बड़ी टेंशन मेरे लिए ये होती थी कि मैं डालूं क्या सर, क्योंकि कुछ भी नहीं आता था। क्योंकि सर मैं स्टार्टिंग से मोटी नहीं थी, कि अगर ये था कि मैं स्टार्टिंग से मोटी थी, मैं कभी मोटी नहीं थी सर। जी मुझे थोड़ी हेल्थ इश्यूज हो गए थे, मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे अंदर सिर्फ 3 ग्राम ही ब्लड रह गया था। तो उसके बाद सर मुझे 5 यूनिट चढ़ी थी, तो उसके बाद पता ही नहीं चला कब मेरा वेट 87.6 पे जाके पहुंच गया। तो सर वो वेट लॉस मैं बता नहीं सकती कि कैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ी है सर। सब आपको, आपके ऊपर है, आपने मेरी जर्नी इजी की है। सिमर जी देखो, मैं किया तो आप ही ने है, लेकिन हम जब देख रहे हैं ना आपका ये पीछे, और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, और वो भी आप बता रहे हो मार्च से, और कब तक हो गया था आपका, कितने महीने लगे आपका ये वेट लॉस होने में? सर मुझे ना फर्क 2 महीने में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया था, 2 महीने में। अच्छा, हाँ जी सर, कितने किलो चला गया आपका 2 महीने में? सर 2 महीने में ही ना मेरे ख्याल से सर मेरा 18-19 किलो चला गया था, 18-19 किलो। मेरे इंचेस बहुत ज्यादा लूज हुए थे, बहुत ज्यादा। मैडम, किसी कहाँ सर, मैं आपको भी झूठ नहीं बोलना चाहती। लड़की का ना, जैसे अभी आपने जो आउटफिट डाला है, किसी भी लड़की का ये हाँ जी सपना होता है कि भाई मैं पतली दिखूं, और सब लोग, मतलब पतले इंसान को लोग यहाँ पे ना हिंदुस्तान में, हाँ जी सर, एक तो अंग्रेजी बोलने वाले को बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, उससे भी कई गुना ज्यादा इज्जत मिलती है हमारे हाँ जी हिंदुस्तान में, जो इंसान बिल्कुल फिट होता है। तो अब आपने फिटनेस अचीव कर ली सर, है। प्रेजेंटेबल जो हो। जी 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 हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रेजेंटेबल। अब आप जैसे जिस तरीके से आपने ये आउटफिट डाला हुआ है, तो ये पहले तो नहीं आपको आ पाता होगा, मुझे लगता है कि नहीं, पहले नहीं आ पाता होगा। आप ये सर कुछ टाइम पहले तक, लास्ट ईयर तक आता था, जब हेल्थ इश्यूज हो गए सर आप हंसोगे, मुझे माइग्रेन भी था, मुझे सर्वाइकल भी था, मुझे पीसीओडी भी था सर, थायराइड मेरा 150 पहुंच चुका था सर, हाइपरटेंशन इतनी ज्यादा हो चुकी थी, मेरा गोल्ड ब्लैडर भी रिमूव हुआ हुआ है। तो सर अच्छा मैं बीमारियों का घर बन चुकी थी बिल्कुल। तो अच्छा धीरे धीरे कब वो इतना वेट बढ़ गया पता ही नहीं चला। मुझे स्टार्टिंग से शर्ट्स वगैरह अंदर टक करना बहुत पसंद है, और आप यकीन करोगे मैं मार्केट में भी या कहीं भी लो टी शर्ट में जाना शुरू कर दिया था। आता ही नहीं था सर कुछ भी, ड्रेसेस कुछ भी नहीं आ रही थी मैडम, सर। पहले कमर का मेरे साइज बेटे कितना हो गया था, पहले कमर का साइज? से पहले मेरा आप सर 44 पॉइंट समथिंग हो चुका था। कमर का साइज 44? हाँ जी सर, ओ माय गॉड। सर मतलब सर यू कैंट इवन बिलीव कि कुछ मुझे कहते थे कि प्रेग्नेंट हो गया सर, बहुत एम्बेरस फील होता था उस टाइम सर, और क्यों अभी अभी प्रेग्नेंसी एक कितना आ अलग गया वो है, मैडम लेकिन कमर का साइज, अभी कितना आ गया? तो मेरा 28 हो चुका है।
मैंने हफ्ता पहले चेक किया था तो 28 आ चुके हैं। मैडम 44 से 28, आप सोचो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, और आप बता रहे हैं मेजरली आपका 2 ही महीने में कम हो गया था, कमाल हो सिर्फ गया सर। हाँ जी, मुझे 2 महीने में इतना फर्क आ गया था, बहुत ज्यादा, मतलब विजिबिलिटी स्टार्ट हो गई थी एकदम। अब आप आप मैडम इस ये चीज सिर्फ बताइए कि आपने मैं, किया क्या क्या, जो ये ऐसा हो गया आपने क्या क्या किया। आगे चलकर वीडियो में सिमर जी हम सबको बताएंगी कि इन्होंने कैसे अपना 31 किलो वजन कम कर लिया। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो हर हफ्ते बनाता रहता हूँ। इन वीडियोस के अलावा मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आपको मोटिवेशनल किताबों को भी पढ़ना चाहिए। ऐसी ही एक हेल्थ को लेकर मोटिवेशनल किताब है, हाउ टू हील योर मेटाबॉलिज्म। ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपके पास किताब को पढ़ने का समय नहीं है तो उसका एक उपाय है, आप अपने फ़ोन में कुकू FM की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कुकू FM इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर 4,000 घंटे से भी ज़्यादा की ऑडियो बुक लाइब्रेरी मिल जाएगी, जिन्हें आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी सुन सकते हैं। ये किताब हाउ टू हील योर मेटाबॉलिज्म, इस किताब की बुक समरी भी आपको वहां मिलेगी, जिसे ऑडियो फॉर्म में कान में हेडफोन लगाकर अपना काम करते करते आपको सुनना है। तो अगर इसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं और कुकू FM को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे डाउनलोड करके इसकी मेंबरशिप लेने के लिए साल की जो फीस है वो मेंबरशिप फीस 399 यूजुअली लगती है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो के माध्यम से इसकी मेंबरशिप लेंगे, कूपन कोड यूज करते हैं SVB50, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा और आपको पे करने सिर्फ ₹199 एक साल का, लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए। अभी चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। सर, सबसे पहले तो आपके 5 गोल्डन रूल्स। सर पता है क्या, पहले भी मैं वॉक करती थी, सर मैं कभी ना एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं कभी भी एक्सरसाइज नहीं की, कभी मैं जिम नहीं जा सकती। तो सबसे पहले तो ये था सर, वॉक करती थी पर थक जाती थी, थोड़ा सा चलती थी फिर थक जाती थी, सर एनर्जी नहीं होती थी। तो सर जब मैं मार्च में अपने बेटे के बर्थडे के लिए आउटफिट लेने के लिए मार्केट में गई, सर मुझे सेल्समैन ने एक्सरसाइज भी ट्राई करने से मना कर दिया कि मैम रहने दीजिए, आपको नहीं आएगा। सर आप ये चीज सोचो, जो लड़की मीडियम साइज पे थी एक साल पहले और उसे सेल्समैन एक्सरसाइज भी मना कर दे तो कितना ज्यादा फील होता है सर। बहुत एम्बैरेसिंग हाँ जी, बहुत एम्बेरेंसिंग होता है सर। होगा। तो सर आप यकीन करोगे, एक दिन बातों बातों में हस्बैंड ने वैसे ही बोल दिया, मतलब हम बच्चे के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने वैसे ही बोल दिया कि ना सिमी तू ना काली मोटी भैंस लगने लगती है। तो सीरियसली इट हर्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा। पॉजिटिवली हर्ट हुआ था। हाँ जी सर, कोई उन्होंने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, उन्होंने हमेशा मेरे को अप्रिशिएट किया, हमेशा कि जी अच्छी लगती है बहुत। सर तभी मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं मोटी हो गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने कभी रियलाइज करवाया ही नहीं, जी कभी भी जी उन्होंने बॉडी शेमिंग नहीं की। उस दिन भी उन्होंने मजाक मजाक में बोल दिया था, पर जी वो मजाक सर मैंने पॉजिटिव ही नहीं लिया। मैंने उसे ये नहीं कहा कि लड़ना शुरू कर दिया उनके साथ कि आपने मुझे ऐसे बोल क्यों दिया, कि लेडीज की आदत होती है। जी मैंने सर पॉजिटिवली, मैं 4 बजे उठ गई उस दिन और मैंने सर उस दिन वॉक करनी स्टार्ट की, और वॉक जी करते करते मैंने वैसे सर यूट्यूब सर्च किया, आप मेरे सामने वैसे ही आ गए। तो जी 32 बार, मैंने कहा ये क्या होता है 32 बार, क्योंकि सर कभी नहीं सुना था कि वो डाइट प्लान्स होते हैं। सर मैंने डाइट प्लान भी लिया था, सर आप यकीन करोगे कि मैंने 3 मंथ्स का 10,000 पे करके डाइट प्लान लिया, मैं 15 दिन भी नहीं कर सकी। सर दलिया, खिचड़ी, उपमा, सर कभी लाइफ में, मैं हरियाणा से हूँ सर, मैंने कभी जिंदगी में ये इन चीजों के ऊपर नहीं हुआ। और उन्होंने कह दिया आपको सिर्फ सैलेड खाना है, आपको ये करना है, आपको सिर्फ जूस पीना है, कुछ सर बिल्कुल वो कर दिया था। लेकिन आपकी वीडियो से मुझे पता चला कि सब कुछ खा के भी हम वेट लूज कर सकते हैं। तो सर उसी दिन मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया सर, आपके गोल्डन रूल्स स्टार्ट किए। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, मेरी ना जाड़ में प्रॉब्लम है सर, तो मुझे च्यू करने में बड़ी दिक्कत आती थी, तो लेकिन मैंने पेन किलर ले लेके सर मैंने च्यू करना स्टार्ट किया। और फिर धीरे धीरे सर आप यकीन करो कि मुझे एक हफ्ते में जब 3 केजी ड्रॉप हुआ ना, मैंने कहा ये क्या हुआ,
कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सर कहाँ, आप मानोगे मैं 3-4 रोटियां खाती थी और अच्छे अच्छे साइज की, मतलब बोरों से थोड़ी सी हैवी बनाना शुरू कर दिया तो मेरा पेट ही नहीं भरता था सर। जी और अब मैं वही हूँ जो सबसे छोटी रोटी बनाती हूँ, और एक रोटी में भी मैं बहुत अच्छी हेल्दी फिट रहती हूँ कि मुझे जरा सी भी कमजोरी फील नहीं होती, मुझे ये नहीं होता कि मुझे कोई मतलब हो रहा है कि सिकनेस फील हो रही है। बल्कि सर आप यकीन करोगे मुझे हर कोई कहता है कि मैं अपनी एज से बहुत छोटी करने लगी हूँ पहले मैडम, के आप भी कंपैरिजन। आप देखने में 25-26 साल के लग रहे हो, तो हमें तो नहीं पता खैर आपकी एज, वैसे ये शोभा भी नहीं देता आपने पूछना। हाँ जी, देखनी है, हाँ हमें पूछना शोभा लेडीज नहीं। बताती भी नहीं आप बता दीजिए ताकि लोगों को है। पता चले कि में क्या मैजिक होता है। आपकी कितनी एज है मालूम? सर बस आप ये मान लो कि मैं 33 हो चुकी हूँ। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया मैडम। आपने हाँ जी मतलब ये समझ के चलो कि आपने करीब 7-8 साल अपने आप को यंगर बना लिया। और आप मान के चलो मैडम, जिस तरीके से आप बता रहे हो ना कि 28 की कमर आ गई, 44 से आपकी 28 की कमर आ गई है, इतनी महिलाओं का ये सपना है ना 44 मैडम, की प्लस थी। पता है मैडम? अभी हाँ जब ये जी वीडियो आपकी यूट्यूब पे जाएगी ना, तो हर कोई हाँ जी लेडी ये सोचेगी कि काश मुझे भी पता चल रहा है कि इन्होंने क्या किया है, काश मुझे भी पता चल रहा है कि इन्होंने क्या किया है। तो वैसे तो आप सब कुछ बता रहे हो, मैंने लेकिन जब हाँ जी बताने के हाँ जी बावजूद भी लोगों की ये टेंडेंसी होती है, लोग कहते हैं हमें क्या पता चल जाए कि भाई। तो आप मैडम कुछ और भी अगर ऐसा कुछ हिडन आपने किया है जो हमने नहीं भी बताया आपको, तो एक बार खुल के सबको बता दो, क्योंकि आज लोग ना आपको बड़े ध्यान से सुन रही होंगी, महिलाएं बहुत टकटकी लगा के सुन रही होंगी, तो बता हाँ दो आप। जी सर पता है कि क्वेरीज है उनको ये होते हैं, मैं रूटीन बताऊं सर, मैंने तीनों टाइम खाना खाया है। रूटीन कुछ नहीं होता सर, कुछ चेंजेस होते हैं, आप अपनी डाइट को थोड़ा बैलेंस बना के रखोगे तो सब कुछ खा के भी आप वेट लूज कर सकते हो। सर लाइव एग्जांपल मैं हूँ, सर मैंने इतना ज्यादा 32 kg लूज कर लिया है आपके सामने, तो वो भी कुछ महीनों में। सर जिम में भी जाते हैं, जिम में क्या होता है सर, आप अगर 5 kg भी लूज कर रहे हो आप छोड़ दोगे 10 kg आपका बढ़ जाएगा। तो लेकिन सर मैंने क्या चेंजेस किया, मेन सर आपने बताया था पानी, सर मैं पानी ऐसे पीती हूँ बिल्कुल चिड़िया की तरह, इतना धीरे पानी पीती हूँ मैं बहुत ज्यादा। पहले कैसे पीती थी मैं, सर कट 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 किया और 1 सेकंड में पानी खत्म, ऑफिस में भी एकदम ऐसे वो कर देती थी। और अब सर मैं एक बार आप ये थोड़ा सा पी के दिखा दो मैडम, एक बार थोड़ा सा पी के दिखा दो कैसे पानी पीते हो पानी। पानी देखो जी, अभी सिमर जी हमें दिखा रहे हैं कि पानी कैसे पीते हैं। आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी कि पानी जो लोग तेजी से पीते हैं ना, इसके ऊपर मैं भी वीडियो बना चुका हूँ, और अब सिमर जी भी ये बात बोल रही हैं, आपको जितनी प्यास हो पी सकते हो उतना पानी, लेकिन धीरे 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 पीना। ये देखो मेरा पानी ज्यादा खत्म नहीं हुआ, मैंने जी। अपने अंदर उतना ही पानी लिया है जैसा एक चम्मच में आता है, छोटे बच्चों को पिलाते हैं जैसे। लेकिन सिमर जी, तो इसमें एक मैं क्वेश्चन है कि ऐसा हाँ करने जी से कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका वाटर इनटेक कम हो गया हो पूरे दिन का? पूरे दिन में कितना पी लेते हो? सर मैं वही आपको बता रही हूँ, पहले मैं इतनी आलसी थी सर, पानी पीने में तो बहुत ज्यादा आलसी थी सर मैं, या मुझे थायराइड थी तो मैं अर्ली मॉर्निंग 100 mg मेडिसिन लेती थी। पर सर आप यकीन करोगे मैं अब मेडिसिन पे नहीं हूँ, कहाँ ओके, मैं इतनी हाँ जी 100 mg लेती थी तो मैं किस अब चीज की मेडिसिन थी नहीं ये लेती। 100 mg? किस चीज की थी? सर बीपी? थायराइड थायराइड की, के लिए? ओके ठीक थायराइड हाँ जी है, सर। ओके सर मतलब मैं 1 गिलास तब पीती थी और या फिर दिन में 1-2 गिलास बस सर, और अब वही मैं हूँ जो सर 10-12 गिलास से भी ज्यादा पीती। मैं अच्छा। कभी 1 गिलास लेके नहीं बैठती सर, मैं 2 गिलास लेके बैठती हूँ और इत्मीनान से सर मैं 5 मिनट अपने पानी को देती ओके हूँ। सर आपने कहा है कि एक ही लाइफ है, उसको खाना भी इंजॉय करो, हर चीज इंजॉय करो, हर चीज का टेस्ट लो। सर जी पहले हम थे, मैं सीरियसली बताऊं पहले मैं खाना ठूस रही थी और जी तो भी भूखी रहती थी, बार बार किचन की तरफ जाती थी। और एक लॉकडाउन ऐसा आया सर, लोगों को बीमार तो किया ही किया, साथ में आलसी भी बना दिया, क्योंकि लोगों को एकदम बोल दिया कि आप लोग घर पे रहिए, नई नई डिशेज बनाई, नई नई चीजें की, उससे वेट ही सबका बढ़ा है सर। और एक तो मेरी ये मेजर था सर कि मैंने पानी को बहुत अच्छा पिया है सिप सिप करके,
सेकंड मैंने अपने गोल्डन रूल था कि मैंने पूरी प्लेट भर के सर मैं सैलेड खाती हूँ। अच्छा, इतना इतना सैलेड खा पाते हो मैडम आप, जितना ये इस प्लेट में इतना खा लेते हो? सर मैं डेली खाती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। डेली खाती हूँ सर। डेली एक ही बार में खाते हो या तीनों टाइम आप इतना इतना सैलेड खा पाते हो? मैं तीनों टाइम तीन प्लेट सैलेड खाती ही खाती हूँ। अरे वाह, तो यही आपका ऐसा लगता है कि मेन चीज तो आपको यहीं से मिल गई, स्लो ईटिंग के लिए आपको यहाँ से बड़ा बेनिफिट मिल गया। सर आप यकीन करोगे, अगर एक छोटा सा पनीर का टुकड़ा भी है ना, वो भी मैं इतनी बार च्यू करती हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब हर चीज। एक बार हो जाए मैडम, एक कोई भी चीज जो आपको अभी पसंद हो इसमें से कोई चीज आप एक बार च्यू करके दिखाइए, मैं बीच में बोलता रहूंगा, आप कंटिन्यू कीजिए खाने का, एक बाइट आप करिए। तो अभी सिमर जी हमें डेमो दे रही हैं और ये पनीर, ये प्याज है और पनीर लिया जी। तो सिमर जी अभी हमें डेमो दे रहे हैं ये कैसे च्यू करते हैं, इनकी स्पीड भी देखिएगा कि ये किस स्पीड से च्यू कर रहे हैं। और आप मैडम बिल्कुल कॉन्शियस मत होइए, आप जैसे नेचुरली खाते हैं ना, आप वैसे आराम से एंजॉय कीजिए अपने खाने को। और जो लोग सीखना चाहते हैं, जो सिखाने के लिए हम आपको हर चीज का डेमो दे रहे हैं, इन्होंने पानी का भी डेमो दे दिया और सैलेड का भी दे दिया, और अब इनको कितनी देर लग रही है एक बाइट को फिनिश करने में, ये आपको अभी पता चल जाएगा कि कितनी देर लग रही है। अगर इंसान ऐसे अपने ऊपर मेहनत करे, लोग मुझसे पूछते रहते हैं सर क्या करें क्या करें, देखो सिमर जी मेहनत कर रहे हैं सैलेड काटने के लिए, इन्होंने पूरी प्लेट आपको इतनी अच्छी सुंदर से दिखाई देगी। और जो सैलेड है ये कभी भी फैट नहीं लेके आता बॉडी के अंदर, अगर कोई इंसान सैलेड पे आ जाए तो मेरे ख्याल से जितनी सैलेड इनकी प्लेट में, इसके बाद रोटी की भूख तो ना के बराबर ही हो जाती है अगर कोई इंसान ऐसे स्लो ईटिंग करे। मुझे बोलते बोलते और सिमर जी को चबाते चबाते लगभग एक मिनट होने वाला है और अभी भी उनके मुंह में चल रहा है, तो ये चीजें हमें नहीं पता चल पाती जो यहाँ वीडियो में हमारे इंटरव्यूज के अंदर आपको देखने को मिलता है डेमो, तो ये आप लोग देख सकते हो। वाह सिमर जी वाह, यही मेन सर, यही मेन। आप यकीन करोगे सर, पहले मैं 32 टाइम्स तक नहीं चबा पाती थी, 10 बार भी होता था खत्म, अंदर चला जाता था, भूल जाती थी, पहले काउंटिंग करनी शुरू की भूल जाती थी। मेरा ना, मैं आपको बताऊं पूरा बदमानस, मेरा लाइफ का ना एक गोल्डन वो है, नंबर है 1036, तो मैंने सर 32 को ना अपने उससे चेंज कर दिया, थोड़ा सा कम कहते ना कि वेट लॉस जर्नी को एंजॉय करके फील करो, उसे मतलब बर्डन मत सोचो अपने ऊपर कि हमें ये करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 10 सेकंड्स में कुछ भी खाना होता है उसको फील करती हूँ, अपने टंग पे रखती हूँ, उसे फील करती हूँ, और फिर मैं 36 टाइम्स उसे च्यू करती हूँ सर। ओके, हाँ जी सर, मतलब मैं हर एक इंसान को बोलना चाहूंगी कि आपका कोई भी नंबर हो सकता है, मेरा 10 शक्ति, आप लोगों का कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग लेकिन 32+ ही लेना, 32 टाइम्स तो चू करना ही करना है खाना। जी, 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 जी। सर ये कि आपको 50 ले सकते हो, आप 40 ले सकते हो, 32 ले सकते हो, 30 कुछ भी लो, लेकिन खाना जितना ज्यादा लिक्विड करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। पहले भी जब आपका वेट बढ़ा हुआ था तब भी सैलेड इतना लेते थे या अभी सैलेड इतना लेना शुरू किया? सर हस्बैंड लेते थे, मैं कभी नहीं लेती थी। मैं कभी, मतलब ये था कि मतलब एक खीरा भी उठा लेती थी तो उसको मैंने एक बाइट करके रख देती थी, अब वही मैं हूँ सर जो खाने की तरफ कम जाती हूँ और सैलेड की तरफ पक्का। तो मैं अपने आप को ना आधा घंटा खाने का देती ही देती हूँ, कई बार तो मुझे पौना घंटा हो जाता है। अच्छा, और 45 मिनट। हाँ जी सर। सर यही छोटी छोटी चीजें हैं जिससे ना वेट लॉस जर्नी बहुत इजी बनती है। मैडम अभी ना मैं कुछ दिन पहले अपने फ्रेंड्स के साथ मसूरी गया हुआ था घूमने, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, तो वहां पे वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो ये बोल रहे थे कि यार तेरा ये जो फॉर्मूला है ना, ये तो है तो बहुत बढ़िया, लेकिन इतना टाइम नहीं दे पाते हम, तो उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा हमें मोटिवेट करो कि लोग टाइम कैसे देने लगे हैं। टाइम
मैं आपको बताऊं सर, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे क्या नाम है, अपने वर्क लोड में भी, छोटा बच्चा है मैं उसको भी देती हूँ, जैसे अब दोबारा से कोरोना का वो फैल गया, उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है घर के भी सप्ताह। लेकिन सर अपने आप को अगर हम आधा घंटा भी नहीं दे सकते ना अपने खाने को, सर फिर हम करके भी ये लाइफ में, एक ही लाइफ है, उस एक लाइफ को हम मतलब मेडिसिन पे बीमारियों का घर बन के, उसे तो अच्छा है कि हम अपने आप को आधा घंटा दे दे अपने खाने को। और ये मैं हर किसी को बोलती हूँ, सर आप यकीन करोगे लेडीज में इतनी कॉम्प्लेक्स होता है ना, इतना ज्यादा। मैं जब मोटी थी, मतलब काली मोटी भैंस थी, तब तक तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी, मैं सीरियसली बताती हूँ सर। और अब जब मैंने अपने आप को फिट कर लिया है, तो लोगों को इतनी अंदर से जेलसी स्टार्ट हो गई है, मैं समझ नहीं आता, क्योंकि सर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने वेट लॉस जर्नी को एंजॉय किया है सर, आप यकीन मानोगे सर, मैंने वॉक 40,000 स्टेप्स भी कर दिए। अच्छा, हाँ जी सर, 40,000 स्टेप्स, वो सिर्फ आप सर, वो सिर्फ ना इस हेल्दी फूड की वजह से, वालों क्या कहते हैं डाइटिंग पे होगी तभी पतली हो रही है। और जबकि आप यकीन करोगे सर, मैं डेली पनीर खाती हूँ, तो मैंने वॉक छोड़ी हुई है अभी एक दो दिन से ही स्टार्ट किया, डॉक्टर ने थोड़ा मना किया था। और सर मैंने जब वॉक छोड़ी थी 2 महीने में, तब मेरा मेबी 75 था सर, नहीं 65, तो उसके बाद भी सर जो मेरा 65 से 57 आया है सर, वो सिर्फ 32 टाइम्स की वजह से ही आया। Okay. और ये जो मैंने थोड़ी छोटी छोटी आदतें अपनी चेंज की है, तो ये भी अगर कोई लेडी सोचती है कि हम तो घर से बाहर निकल नहीं सकते, हम तो वॉक भी नहीं कर सकते, सर मैंने घर के अंदर भी वॉक की है, अगर बाहर बारिश हो रही होती तो मैं घर के अंदर वॉक करना शुरू कर देती थी। वेरी गुड, वेरी गुड, अपने अंदर मोटिवेशन लाना पड़ता है। आपने टोटल कितना केजी लूज किया मैडम, कितना बता रहे हैं टोटल? सर मैं 88 से 57 पे आ चुकी हूँ। 88 से 57, 31 केजी। हाँ जी सर, 31, 32, हाँ जी। वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया। सर मेरे इंचेस बहुत ज्यादा लूज हुए सर, ये शर्ट आप देख रहे हो, ये शर्ट मुझे आती ही नहीं थी। ओके, मुझे यहाँ से ही नहीं फंसती थी सर ये, मतलब बटन तो बंद होना बहुत उनकी बात है। खाना खाते समय जो मन भटकता है, जो इधर उधर हमारा ध्यान अटेंशन इधर उधर चली जाती है, उसका सॉल्यूशन क्या निकाला आपने? आप हो सर उसके लिए, आप हो, आप इतनी मोटिवेशनल वीडियोस डालते हो, मेरी आदत ही उन वीडियोस से बनी है, मैं आपकी वीडियो देखते देखते ही खाती थी, तो ये मेरी वेट लॉस जर्नी में 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। कि कोई अगर ये सोचे कि मैंने कोई बहुत पैसा, सर लोगों के माइंड में है जरूर कोई मेडिसिन खाई होगी, बता नहीं रही, मतलब यही हो सकते सर, जबकि मैं उनको बताती हूँ कि आप स्लो ईटिंग कीजिए, आप वॉक कीजिए, आप ये कीजिए, इतना टाइम क्या है, तो बिल ही है, मतलब उसमें भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि अगर हम खाना खाने में भी अगर सर टाइम लगा रहे हैं, उसमें भी कहते हैं हमें इतना काम है, हम वो थोड़ी करें। सर आप बताओ, अगर हम अपने आप को आधा घंटा भी नहीं दे सकते, हम बीमार पड़ जाएंगे, फिर भी तो वो काम होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिमर जी, आपकी थायराइड की रिपोर्ट अब नॉर्मल आ चुकी है? सर बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो चुके, कहां मेरा इतना एक्सेस पे। सर मेरा ना 3 ग्राम ब्लड था, जब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे माइनर अटैक की प्रॉब्लम आ चुकी थी, मैं ऑक्सीजन पे थी सर लास्ट ईयर, तब मैंने सोचा मेरे साथ हो क्या गया इतनी कम एज में, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, अभी मेरा छोटा बच्चा भी है, तो सर उस टाइम पे भी मतलब आप उसी वजह से मेरा वेट बढ़ा था, क्योंकि मुझे 5 यूनिट्स ब्लड की चढ़ी थी। अभी ना मैडम 2-3 दिन पहले ऐसे ही मैंने किसी का इंटरव्यू डाला हुआ था, तो 2-3 दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था, उसमें कमेंट में लिखा था एवरीथिंग स्क्रिप्टेड, बकवास, ये बस इतनी सी बात लिखी हुई थी, एवरीथिंग स्क्रिप्टेड, और आगे लिखा था बकवास। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि हमारी आपकी कितनी बड़ी स्क्रिप्ट है, अभी कितना और चलना है सेशन, हमने कितनी स्क्रिप्ट सर, मुझे अगर आप ये बोलो ना कि मैं अपनी खुशी 1 घंटा भी जाहिर करूँ आपके साथ, तो मैं कर सकती हूँ, स्क्रिप्टेड होती है सर, पता चल जाता है, जो चेहरे पे खुशी होती है ना सर, आप यकीन नहीं कर सकते, मेरे लिए आज फंक्शन से बढ़ के मतलब डे है, आप ये चीज देखो, मैं आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे पा रही हूँ सर, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैंने भी यही सोचा था
कि शायद हो सकता है, लेकिन जब तक हम खुद नहीं करते जी, वो काम, तब तक हमें भरोसा नहीं होता कि ये सच में पॉसिबल है। ये सब होते सर, ये ना सिर्फ माइंड का गेम है। हम जब तक वो काम नहीं करते, हमें तब तक लगता है कि नहीं कुछ होगा, कि अब झूठ बोल रहे हैं ये, आपस में ना इनकी कोई टाई अप होगा या क्या कुछ होगा। मतलब ये होता है सर, ये ना थोड़ा सा पर्सनैलिटी के ऊपर और थोड़ी सी साइकोलॉजी होती है माइंड। मैडम मैं ना इंटरव्यू अपने चैनल पे करीब 150-200 इंटरव्यू डाल चुका हूँ लोगों के, तो अगर मान लो मैं सारे देख चुकी हूँ। वेरी गुड, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं लोगों को पैसे दे के भी बुलाऊं इंटरव्यू में तो कितनों को दूंगा। कि सर आपकी एक वीडियो में आपने बोला था, किसी का सर था कि एक ना उन्होंने सिलेंडर अपने ऊपर से हटा दिया जी जी 28 किलो का सर, वो चीज जो है मैंने ना सिलेंडर उठा के देखा सर, मुझसे हिला भी नहीं। तो अब मैं फील करती हूँ सर कि मैंने तो सिलेंडर से भी ज्यादा वेट कम कर लिया, कि मेरी बॉडी ने तो इतना बोझ कैसे सहन कर रही थी। सोचो जरा तो पहले। हाँ जी सर, ये चीजें अब माइंड में आती है। बहुत बहुत ही बड़ा, मतलब इतनी एनर्जी रहती, ट्रांसफॉर्मेशन इतना बड़ा हुआ है मैडम कि ये ना इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में काउंट ही नहीं कर सकते। और ये भी कोई ऐसी बात हो ना मैडम, देखो अगर आप हो तो आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी होंगे, आपके जो रिश्तेदार आपके जो दोस्त हैं वो तो जानते ही होंगे आपको। ये जो फेस दिख रहा है ना मैडम, यहाँ पे देखने में ऐसा लगता है जैसे, मतलब कोई अगर होगा छोटी उम्र का लड़का तो वो आंटी ही कहेगा, मतलब अगर 15-16 साल का इंसान भी यहाँ आंटी ही कहेगा। और अब आपको कोई देखेगा ना 15-16 साल का लड़का भी या लड़की भी, वो दीदी ही बोल पाएंगे, क्योंकि क्या होता है आपकी फिजिकल अपीयरेंस से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपका फेस काफी भारी लग रहा है उस फोटो में, आपका फेस काफी भारी लग रहा है, एकदम गोल मटोल लग रहा है, लेकिन अब तो बिल्कुल परफेक्ट डिसेंट कपड़े जिस तरीके से फिट हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोशल मीडिया पे अपने बेटे की बर्थडे की पिक्स ही नहीं अपलोड की, क्योंकि मैं सर मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं इतनी मोटी लग रही थी बहुत ज्यादा। मार्च की बात है जी जी जी, मार्च तो अभी गया, बल्कि कोई ज्यादा दूर की बात नहीं। मैं तभी ना अपने बेटे के साथ पिक लगाई थी, अब कोई सोचेगा कि शायद बहुत सालों में इसने वेट कम किया है, सर पिक्स में मेरे बेटे की एज ही देख लो, उसमें तो ज्यादा फर्क नहीं आया। सर मैंने हल्दी वाला पानी पी है, हल्दी वाला पानी बॉइल कर जी, गर्म पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल के 1 मिनट के लिए रख दो और फिर उसे सिप सिप करके पिया मैंने खाली पेट। वेरी गुड। और जो सॉल्ट फ्री डे बोलते हैं हम, वो किया आपने? सॉल्ट फ्री डे में मुझे शुरू में पॉसिबल नहीं हुआ था, मुझे बीपी लो की प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में मैंने धीरे धीरे करना शुरू किया है सर, वो तो मैजिक करता है। अब मुझे अगर बोला जाए ना मुझे वीकली 2 बार भी सॉल्ट फ्री करना है तो मैं करती हूँ, मैं कर लूंगी। बहुत बढ़िया जी, सिमर जी आपसे जो भी बातें की बहुत ही अच्छी थी और बहुत प्रेरणादायी बातें थी आपकी सारी की सारी। मैं अगर अपनी वेट लॉस जर्नी खत्म कर चुकी हूँ ना सिर्फ आपकी वजह से, आपकी वीडियोस की वजह से, और कुछ नहीं। आपने ये गोल्डन रूल ऐसा निकाला है ना सर, ये कभी चेंज हो ही सकता जिसको आदत पड़ गई है, बहुत गोल्डन रूल है सर जी, जी, जी। पर लोग पता नहीं क्यों भरोसा क्यों नहीं करते। करेंगे मैडम, हम लगे हुए ना, आप हम ऐसे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, कोमल जी, मोनिका जी, कमल जी जी, कितने लोग लगे हुए हैं यही सब करने में, तो जब इतने लोग मिलके करेंगे ना धीरे धीरे दुनिया में हर इंसान को आदत पड़ जाएगी इसकी। तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच मैडम, फिर मिलेंगे जल्दी आपसे। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू।